अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मजीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक ना कर बैठे। क्या हुआ, यहां क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है? कसर में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे आप क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो दो आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहां रहना चाहिए था। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है? मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत हमारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? यूसुफ से दूरी का गम,
कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम, ए अमून मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए भानो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, यूज़ार्सी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुआ है नबी खुदा? फिर उसी बूढ़ी औरत को देखा है, वो मुझसे मदद तलब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है, यानी मैं उसे कहाँ तलाश करूँ। ख्वाबों के इसरार और रमूज नबी खुदा से पोशीदा नहीं है। अगर उस ज़ईफ़ा का चेहरा वाज़े तौर पे दिखाई नहीं दे रहा और आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो यकीनन इसमें कोई मसलियत खुदावंदी होगी। वो हाथ फैलाए मदद तलब कर रही थी। अगर वो जरूरतमंद होती तो खुदावंद उसकी जानिब आपकी रहनुमाई जरूर कर देता। आखिर ये जरूरतमंद औरत कौन है? कहाँ की रहने वाली है? किस शहर से ताल्लुक है? मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? खुदावंद, मबादा ये बेखबरी मेरी खता शुमार न की जाए और उसके बाबत मेरा मुआखजा न किया जाए। मिस्र का इख्तदार संभालने के बाद से जनाबे यूज़ार सीफ ने कभी पेट भर खाना तनावल नहीं किया। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे ज्यादा इस शहर में कोई बुका ना हो और इनकी शिकम सहरी बुके लोगों से इन्हें गाफिल ना कर दें। बानो, क्या हुआ आपको? बानो आली जनाब, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? आली जनाब, दाई को बुलवाई है।
जरा तहम्मुल से काम लीजिए बानो, दाई अभी आती ही होगी। मालिक दाई को लेने गया हुआ है, अब आसनात कैसी है? दर्द की शिद्दत से तड़प रही है। अभी दाई आ जाती है, आप जाएं और गर्म पानी का इंतजाम करें। दुरूद हो अजीज़े मिस्र जनाबे हुज़ूर सिफ पर। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। फिक्र मत कीजिए आली जनाब, मुझ पर भरोसा रखिए। बानो असनात कहाँ हैं? मेरे साथ आई है। जी आली जनाब, आपको बेटी की आमद मुबारक हो। अपने माँ बाप की तरह बहुत खूबसूरत है। हसनात की हालत कैसी है? वो ठीक तो है ना? दोनों सही सलामत हैं। यकीनन इसके कदम नहायत मुबारक हैं, जनाबे युजार सिफ। जनाबे युजार सिफ, अक्सर मैं आपकी गर्दनें पड़ी इस मोहर की तरफ मुतवज्जा हुआ हूं और इस मोहर के लम्स के बाद आपके इत्मीनान का मुशाहिदा भी किया है। आखिर ये क्या है? ये एक ऐसी मोहर है जिस पर लफ्ज मौत कुंदा है। मौत? वही जो तमाम अंबिया के अहदाफ को मुकम्मल करेंगे और तमाम फरिश्तादगान खुदा की आरजुओं को बरलाएंगे। काश मेरे पापा यहाँ होते और मेरी पहली औलाद को देखते। बाबा, मैं अकेले ही गले की देखभाल कर लेता, आपने जहमत क्यों की? आप अपने हुजरे ही में आराम फरमाते। इस तवील रास्ते और धूप की तमाजत से आपको तकलीफ नहीं पहुंचती? नहीं बेटा, फितरत की रानाइयों में जमाले खुदावंदी का नजारा करना
मेरी रूह को तस्कीन बख्शता है। बाबा आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ मेरे बेटे, मालूम नहीं क्यों, मेरा ख्याल है शायद आज यूसुफ भी बहुत खुश है। खुश आमदीद मेरी बेटी, आज से तुम्हारा नाम मनस्सा है, यानी भुला देने वाली। तुम्हारे आते ही तुम्हारे बाबा अपने तमाम गम भूल गए। मनसा की आमद की खुशी में तमाम गुरबा और फकराए मेनफीस में खाना तकसीम करवाएं। मैं तिया मीनी हूं बानो। जाने क्यों सही दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। ये कसरत गिरिया की वजह से है बानो। आप क्यों इतनी गिरिया जारी करती हैं? इतना रोने से आपकी आंखों की बिनाई भी मुतासिर होगी और चेहरे की शादाबी भी। कुछ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, ये गिरिया ही मेरे जख्मों का मरहम है। अगर मैं ये गिरिया ना करूं दीवानी हो जाऊं। क्या हुआ, अब कहां जा रही हैं बानो? यही जरा लंगर कहा तक मेरे हमरा चलूंगी। जरा रोदमों से पूछूं, शायद युजार सिफ की कोई खबर मिल जाए। अब मैं आपको रोकने से तो रही बानो हजूर, और ना ही मैं आपको तन्हा छोड़ सकती हूँ, लिहाजा आपकी हमराई करने पर मजबूर हूँ। दुरूद पर बानो जुलेखा। क्या तुम्हें रुदामून का कुछ पता है कि वो कहाँ मिलेगा? शामाक, वो जनाबे होरम हूप के हमरा हेतिहा की जारहाना कार्रवाइयों को रोकने गए हैं। पता है कब तक वापस लौटेंगे? नहीं मालूम नहीं बानो। बानो उठिए, आपको यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, तमाम लोग आपको पहचानते हैं। तुम्हें हमारी बेइज्जती का खौफ है? क्या कोई इज्जत बाकी रह गई है? मेरी रुसवाई की दास्तान हर जगह आम हो चुकी है। जुलेखा युजार सिफ के इश्क में बिल्कुल ही दीवानी हो चुकी हैं। अगर हम उन्हें युजार सिफ की कोई खबर दें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें एक बड़ा इनाम जरूर देंगी। हाँ, हाँ, हाँ। फिर तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी ताकि युजार सिफ की आमद से हम दोनों बेखबर ना रह जाएं। हाँ। यकीन नहीं आता कि मिस्र के हसीन तरीन खातून पर यह वक्त भी आ सकता है। युजार सिफ के इश्क ने उनकी ये हालत की है। इन्हें मालूम है कि युजार सिफ ने शादी कर ली है? मैं तो कहती हूँ कि कभी ना पता चले, वरना ये दुख तो उनकी जान ही ले लेगा। शायद जानती हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ता हो।
अगर जुलेखा को कोई फर्क ना पड़ता होता तो आज वो इस हालत तक ना पहुंचती। अपनी अपनी जगह संभाल लो, आमादा हो जाओ। कसरे फरमारवा के पास सलाहियत सिपाही कैसे हैं? के पास गुजार हैं अली जनाब। मेरे साथ आइए। खैरियत अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ, अचानक इस वक्त कैसे तशरीफ लाए हैं? अभी मालूम हो जाता है। बेनारूस और कसर के खानसामा को मेरे पास भेजो। बेनारूस और खानसामा को खबर करो। इत्तात। तमाम मशाले रोशन कर दें। सिपाही जल्दी करो, तमाम मशाले रोशन कर दो। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो जनाब फरमारवा को बेदार किया जाए। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं, अभी वो खुद ही बेदार होने वाले हैं। उन्होंने बताया नहीं कि मुझे क्यों बुलाया है? नहीं, बस फरमाया कि जल्दी करें। दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब युजार सीफ। आप पर भी खुदावंद का दुरूद हो। कितनी बार समझाया है कि मेरे सामने ताजीमन मत झुका करें। गालिबन जब तक कोड़े नहीं पड़ेंगे आपकी ये आदत जाएगी नहीं। इताहत आली जनाब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जनाब फरमारवा के लिए तमाम मशरूबात का फौरी इंतजाम करें। इतनी रात गए? हाँ, अगले चंद ही लम्हों में जनाब फरमारवा को भूख लगेगी और वो खाना तलब करेंगे। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, आप मुतमईन हैं कि जनाब फरमारवा? जब जनाब युजार सी फरमा रहे हैं कि फरमारवा को भूख लगेगी तो लगेगी। जल्दी कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं रहा। मुशीरों और दीगर साकनी ने कसर को भी खबर कर दें, मैं चाहता हूँ कि सब मौजूद हों। मेरे पास खालिश शहद और खुरमे के शीरे से तैयार करदा शरबत मौजूद है। रात का कुछ खाना बाकी है, अगर कुछ ताज़ा मेवे इजाफा कर दूं तो काफी होगा? हाँ काफी होगा, फरमारवा इतनी रात गए, इससे ज्यादा तनावुल भी नहीं फरमाएंगे। ये आवाज़ सुनी, फरमारवा ने बुलाया है। ये कैसी बेमौका भूख है, पहले तो कभी ऐसी भूख नहीं लगी। अचानक इतनी भूख कैसे लग गई? कहीं आपकी तबीयत तो नासाज नहीं हो गई? अगर आप कहें तो सनोहा को बुलाऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि यह दर्द और यह कमजोरी सिर्फ भूख के बायस है। दरूद बर फरमारवाए हकीम मिस्र और बानू नफरतीती पर। अजीजे मिस्र यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कब तशरीफ लाए? जनाबे फरमारवा को भूख नहीं लगी। इतनी शदीद के बस भूख से मरने की देर है, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? आज रात मिस्र को दरपेश 7 साल कहत की शुरुआत है और उसकी अलामत जनाब फरमारवा को यूं अचानक बेवक्त भूख लगना है। आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो मेंफिस के दौरे पर गए हुए थे, आपने इतना तवील रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? ये सब बाद में अर्ज करूंगा। जनाब फरमारवा गिजा तनावल नहीं फरमाएंगे। गोया कोई चीज आपसे पोशीदा नहीं है, आपने तो हर चीज का पहले ही एहतमाम कर लिया। मिस्र में 7 साल कहत की आज से शुरुआत हो गई है और कल से मर्द में मिस्र को किफायतशुहारी से काम लेना होगा। मैं इसीलिए खिदमत में हाजिर हुआ हूँ ताकि ये खबर आपको दे सकूँ। आप जो भी मुनासिब समझिए वो कीजिए। हम खुदावंद मताल से मुल्तमिस हैं कि वो हमारी मदद फरमाए ताकि हम कहत जैसे संगीन बहरान पर बखूबी काबू पा सकें। अजीब बात है, मुझे भी भूख महसूस हो रही है। ताज्जुब है जनाबी युजार सीफ, मुझे भी शदीद भूख लग रही है। जिस तरह हम सबको भूख महसूस हो रही है, क्या तमाम महले मिस्र को भी? कहाँ शुरू हो गया है, ये बात लोगों को कैसे मालूम होगी? सब लोगों को खुद ही मालूम हो जाएगा।
ज़मीन के बंजर हो जाने और बारान रहमत के न बरसने और काश्तकारी की ममानत के ऐलान से बिलाखिर सब समझ ही जाएंगे। जो भी गंदम की तहवील के लिए आए उनसे कहिएगा कि फ़कत सालाना ज़रूरत की गंदम अपने पास रखें, तखम पाशी के लिए अब गंदम की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरों में ऐलान करवा दिया जाए कि चूँकि अब 7 साल तक बारिश नहीं बरसेगी लिहाजा मज़ीद काश्तकारी ना करें और ना ही तखम पाशी की ज़रूरत है। मामूरीन से कहिए कि हर शहर के सरवतमंद और ज़रूरतमंद अफराद की मुकम्मल और दकीक फहरिस्त तैयार करें क्योंकि ये दोनों तबके मसावी मुस्तहिक नहीं। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि कहत के ज़माने में किसको कितनी मकदार में मुफ्त गंदम फराहम की जाए और किसे कीमत के एवज गंदम दी जाए, यानी किसे हमें बख्शना है और किसे हमें फरोख्त करना है। कल भूख की शिद्दत से आधी रात को मेरी आंख खुल गई। हाँ, मैं तो मारे भूख के मारा जा रहा था। वाकई सबका यही हाल था। मैंने जिस किसी से भी पूछा उसने यही बताया कि वो भूख की शिद्दत से बेदार हुआ था। भला ये किस तरह मुमकिन है कि एक ही रात में सबको एक साथ ही भूख लगे। ये पौधा कल तक हरा भरा था, रात ही रात में मुरझा गया है। क्या आपको यकीन है? बागीचे के बारे में क्या कहोगे, क्या मुरझा नहीं गया? इसके अक्सर फूल और पौधे और दरख्त मुरझा गए। सिर्फ एक दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों की जड़ें बोसीदा हो गई हों? सब के सब अचानक एक साथ मुरझा जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर? नहीं, मुझे तो कुछ और ही लगता है। मुझे कल रात जैसी भूख पहले कभी महसूस नहीं हुई। मेरी भी कल आधी रात को आंख खुल गई थी, यानी मारे भूख के। बानो, बानो क्या हुआ? क्या हुआ बानो? क्या हो गया? कैसे गिर गई बानो? क्या हुआ बानो? आपको चोट तो नहीं आई? मुझे नजर नहीं आया था। आपको कितना समझाया था बानो कि इतना गिरिया वजारी मत किया करें। बानो, अब आप इस कमजोर बिनाई के साथ कैसे जिंदगी गुजारेंगी? अगर इन आंखों को युजारसीफ का दीदार नसीब नहीं तो मुझे इन आंखों का क्या करना? درود آمون خدای بزرگ، اس کے معبد کے خادمین اور جناب آنکھ ماہوب پر تم پر بھی درود ہو۔ بولو کیا خبر ہے؟ علل اعلان تو نہیں کہا گیا ہے، البتہ سب جان چکے ہیں کہ قحط کا آغاز ہو گیا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا؟ شدید بھوک محسوس ہونے اور درختوں اور پودوں کے خشک ہو جانے کو قحط کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔
ठीक 7 साल बाद कहत का आगाज हुआ है, जैसा कि युजार सीफ ने बताया था। हमें अवाम के इन ख्यालात और बेबुनियाद अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। हाँ, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 1 साल की गंदुम जखीरा करके रखें। अगर कहत ना पड़ा तो क्या ही अच्छा, और अगर पड़ गया तो भी कम से कम 1 साल के लिए ही सही, युजारसीफ के सामने झुकने से बच जाएंगे। अगर युजारसीफ ने 7 साल गंदुम की महफूज जखीरा साजी के राज को पहले ही बरमला कर दिया होता तो हम भी न सिर्फ बहुत से गोदाम बनाकर मोहब्बत की जरूरत के मुताबिक गंदम जखीरा कर लेते, बल्कि युजारसीफ की जखीरा साजी की तमाम तर कोशिशों को भी नाकारा बना देते। युजारसीफ का कहना है कि 7 सालों तक गंदम की महफूज जखीरा साजी का ये राज उसने अपने खुदा से सीखा है। सब बेकार बातें हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर गौर करें तो ये बातें इतनी ज्यादा बेबुनियाद भी नहीं है। उसकी वो ताबीर ख्वाब और उमूर ममलिकत में पै दर पै कामयाबियाँ, वसी पैमाने पर जखीरा साजी और इतनी तवील मुद्दत के लिए गंदम की निगहदारी का राज, युजारसीफ और शायद उसके खुदा की कुदरत की निशानी है। अगर उसे किसी गैर मरई ताकत की पुष्पनाई हासिल ना होती तो वो इन तमाम नामसाइद हालात और मुश्किलात में यूं साबित कदम ना रह पाता। जनाबे अखमहू, आप युजारसीफ और उसके खुदा की कुदरत की ताईद कर रहे हैं। नहीं, ताईद नहीं कर रहा, लेकिन ये बात तो गौरतलब है ना कि आखिर उसकी इन पे दर पे कामयाबियों की असल वजह क्या है। कभी दुश्मन को कम नहीं समझता और ना ही हकीकतों से नजरें चुराता हूं। वो देखो। चलो चलकर बानो से इनाम लेते। ठहरो, बड़े आए इनाम लेने वाले, पहले मालूम तो कर लें कि युजारसीफ जा कहां रहा है। ठीक है, गोदाम चलें। रुक जाए, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। क्या बात है, लोगों में दहशत क्यों फैला रहे हैं? आपने और महबत के उन बेलगाम कारिंदों में क्या फर्क रह गया? हम आवाम के खादिम हैं, ना कि उनकी जिंदगियों के मालिक व मुख्तार। लोगों में खौफ और हिरास मत फैलाएं। इतना उजलत की कोई जरूरत नहीं, जरा आराम से। हमें माफ कर दीजिएगा, हरकत करो। गोदामों की जानिब जा रहा है। अब तो हमें बानों से एक अच्छा इनाम मिल सकता है। तो यूं कहो कि हम ही बेखबर थे। नाम क्या है उनकी बीवी का? आसनाद, जनाबे आतून सिस के साहबजादी हैं। कब शादी कर ली उन्होंने जो हमें खबर तक ना हुई? मुद्दत हुई, हमने खुद को यहीं तक महदूद कर रखा है और दुनिया से बेखबर है। अब तो उनकी एक बेटी भी है, निंसा। बेचारी जुलेखा, अगर उन्होंने ये खबर सुन ली तो उन पर क्या गुजरेगी? उन्हें हरगिज पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कहीं बानो जुलेखा को पता चल गया तो वो मर ही जाएंगी। आखिर जनाबे युजारसीफ ने ऐसा क्यों किया? तो इसमें बुराई ही क्या है? क्या उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं तो फिर बानो जुलेखा का क्या होगा? तुम तो पागल हो, भला उन्हें क्या मालूम कि बानो अब भी उन्हें वालियाना चाहती है? और वैसे भी जो कुछ भी बानो ने युजारसीफ के साथ किया, क्या उसके बाद भी जुलेखा का उन्हें ख्याल करना चाहिए था? दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए।
और यह मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बिनाई रोज बरोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरतें गिरिया के बाइस है बानो, खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो सुलेखा, आप अपनी आंखें तबीब को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है और वो अपने ही बीमार से बेखबर है। दुरूद पर बानो सुलेखा। ये ताजी उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का खेज मालूम होती है। जरा आगे आओ